आज की जो वीडियो है ना ये बहुत ज्यादा स्पेशल होने वाली है। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इस वीडियो के लिए, बिकॉज देखो 99% ऑफ द टाइम्स क्या होता है कि हम यहाँ से पंजाब से ऑल ओवर इंडिया डिलीवरी कर रहे होते हैं पपीज की, तो 99% जो पप्स होते हैं वो मेरे को कभी वापस मिलते नहीं है। एंड मेरे को बहुत ना एक्साइटमेंट होती है कि कैसा बना, क्या फीचर्स आए हैं, जो हमने प्लान किया था, जैसे हमने पेडिग्री बनाई थी, जिस हिसाब से हमने ब्रीडिंग करी थी, क्या वो उस प्रकार से बना है या नहीं बना, कैसे बनते हैं, कैसे लगते हैं, वो तो सारे ओनर्स मेरे साथ फोटो वीडियो शेयर करते हैं, बट लाइव देखने का जो मजा आता है ना उस बच्चे को, स्पेशली एक साल बाद जिसकी आपने अपने हाथ से डिलीवरी करी हो और उसको 40-45 डेज का करके आपने किसी को दिया हो, उसका एक मजा ही अलग है। तो आज ये वीडियो इसीलिए स्पेशल होने वाली है बिकॉज हमारे पास जो भाई साहब एक साल पहले आए थे ये भाई साहब को लेने के लिए, वो आज वापस आ चुके हैं। और देखो मैं आधे घंटे से यहाँ पे वेट कर रहा हूँ इनकी कि मैंने ये वाली क्लिप लेनी है कि ये जब आएगा। क्या हाल भाजी? अरे ये आई गया टाइम है। ये हमारे शरण भाई हैं स्पेशली, कह के गए थे उस दिन भाई लेने, चाओ चाओ से कैसे चेंज हो गया मन इसको लेके इसको दे। और भाजी क्या हाल है? मोस्ट वेलकम तेजस, आओ हमारे। ओह माय गॉड, फ्रेंडली है ना ये? छोड़ो छोड़ दो। ओह नो डोजर, आपने दिल खुश कर दिया आपका मेरा है। क्या रमन भाई आए हैं और साथ में पूरे इनके फ्रेंड्स एंड फैमिली साथ में हैं। आप एक बार सबको इंट्रोड्यूस करा दो। फ्रेंड शरण, इनका तो पता है, इनका तो पता है। योर कजन तरन, वो मेरा रियल ब्रदर फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया हरमनजीत, ते वो मासी दीदा बेटा मन्नत भाई, गुरमन्नत नाम है इनका। आई हैड अ ब्यूटी पाया मुंडा। अच्छा मेन भाई इसे तो इंट्रोड्यूस कराओ, इसे तो आपने इंट्रोड्यूस नहीं कराया, देख ही ना होगा। ये हमारे डोजर भैया हैं जो हमारे से भैया लेकर गए थे, और आज मैंने स्पेशली बोला भैया को। अच्छा अगर आप लोगों ने वीडियो देखी होगी ना, मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाल दूंगा, तो उस वीडियो में पाजी बोल के गए थे कि ये वाले पाजी ने चाव चाव लेना है, पर ऐसा बीच में कुछ हुआ हृदय परिवर्तन कि ये चाव चाव से पलट के हस्की पे आ गए हैं। अब वो क्या हुआ वो पाजी बताएंगे भाई। बस मैं चाव चाव बारे बढ़िया थे, फिर हस्की में कंपेयर की था। पढ़ा पढ़ा आपने क्या इनडायरेक्टली कहना, भी मैं YouTube पे वीडियोस देखी ना, स्टडी किया। ठीक है, फिर मैंने ज्यादा वधिया लगा कि पेडिकल लगा कि जेड़ा मेरे फैमिली दे नेचर ना मैच कर रहा है, वो मैंने चूज किया। हां एक्चुअली चाव चाव का जो नेचर है ना वो बाद में थोड़ा सा एग्रेसिव हो जाता है अगर आप प्रॉपर ट्रेन ना करो। ये तो मस्ती हो रहा है इनको, तो जितनी मर्जी मस्ती जैसे मर्जी। अच्छा आप बताओ रमन भाई, आपको लेके गए हुए 8-10 महीने हो गए हैं, बस क्या एक्सपीरियंस रहा आपका? मैं मतलब जो पपी ही है क्यूटेस्ट पपी है, मतलब ये तो वधिया क्यूटेस्ट पपी मैं देखा नहीं है, पर जो ना वड्डा होया जदा भी खेडना फुल ऑफ एनर्जी 24 घंटे भाई दड़ाई रटाई भाई जदा मर्जी जो मर्जी कर गया चौके तुरे फिरो भाई। अच्छा। अग्रेसिव बिल्कुल नहीं हैगा, बट ये अभी मतलब क्लोज आ भी, हां भी दूरों देखदा भी हूं मेरा पर्सन आ भी, हां भी रमण आया रमण दौड़ के आंदा। ठीक है, मतलब वो एंड आसपास वाले ने तारीफ करी कैसे, मतलब आप बता रहे थे अभी, वो बताओ सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है जिथे चल जो हर एक ने भाई किथों ले आंदा इंपोर्टेड है ता ओदा कि बेस्ट है पिंड च लोग इनु शेर शेर कहंदे। अच्छा क्या हुआ अभी पी जदा हुन इहदी रनिंग ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਿੰਨ ਟਾਈਮ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈਦਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਕਹਿਣ ਲੱਪਣਾ ਕਿ ਸ਼ੇਰ ਆ ਗਿਆ ਸ਼ੇਰ ਆ ਗਿਆ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ जब ऐसे तारीफ सुनने को मिलती है ना दूसरे लोगों से तो बंदे को भी खुशी मिलती है कि यार हमने एक तो सही जगह पैसे लगाए हैं, बिकॉज़ देखो भाई जो मर्जी कह लो पैसे आजकल के टाइम पे कमाने सौखे नहीं है, एंड खरीदने को बहुत बेशुमार तरीके के एनिमल्स आप ले सकते हो, बट ये भाई साहब और इनकी क्वालिटी मैं आप कहूंगा कि आज जाके आप सेटिस्फाइड हो और मैं सेटिस्फाइड हूँ यार, कि मतलब मैं अभी ये मेरे को कहा मतलब प्ले बाइटिंग कर रहा तो मैंने बोला इसे कि भाई साहब ये जब आपकी आंखें भी ना खुली थी तब से आप हमारे हाथों से निकले हुए हो और तब से शांत बैठा हुआ है। थोड़ा टाइम लगा इसको भी पहचानने में, पर बहुत जल्दी पहचान गया। इवन गुड्डू जो भी इस टाइम पे वीडियो बना रही है उसको भी पहचानना ही है, एंड वी आर वेरी हैप्पी। मैंने अभी जब आप आए ना उससे पहले मैं वीडियो बना रहा था, मैंने बाइट बनाई थी यही कह के कि 99% जो पपीज होते हैं ना मैं उनसे वापस मिलता ही नहीं हूँ,
क्योंकि ऑल ओवर इंडिया जाते हैं बच्चे, आप चैनल देखते हो गए, कभी मुंबई जा रहा है, कोई बैंगलोर जा रहा है, कोई पुणे जा रहा है, हर जगह बच्चे जा रहे होते, तो मौका ही नहीं मिलता। इवन उनके ओनर से मैं आज तक एक बार भी नहीं मिला, मतलब ऑनलाइन जब पपी से जाते हैं यहाँ से, बट यही किस्मत है। मैं कल भी मेरा एक स्टड है उससे मिला और आज हमारा दूसरा दिन हो गया इन अ रो, अब कल पता नहीं किससे मिलना। बट आज मैं हम इसकी भाई साहब की बात कर लेते हैं, ब्यूटीफुल। और ये पाजी को हमने चाओ चाओ लेके देना अभी इनके लिए चाओ चाओ ही रेडी किया। चलो ठीक है, अब क्या पसंद किया इन्होंने अपने लिए? लो जी आपके लिए चाओ चाओ। हाँ हाँ बड़ा चाओ चढ़ा मैं। उसको पता चल गया ना कि ये तो अपनी बिरादरी है। डॉजर अंशन भाई इधर तो देखो, अब हम इधर नहीं देख रहे। क्या बात है भैया, दिखाना पपी इधर इधर फेस कर। ये देखो जी क्या बात है भाजी, आपका ही है। उसको सूंघना है, सूंघ लो अच्छे तरीके से, घुल मिल जाओ, अब साथ ही रहना तुमने। पागल हो जाना इनको देखो, डाइट चार्ट में हमेशा बना के देता हूँ, चाहे मेरे पप्पी बाहर जा रहे हैं चाहे घर से जा रहे हैं, डाइट प्लान के साथ साथ जो इमरजेंसी मेडिसिन हम लोग दे रहे हैं उसका क्या रोल है, क्या क्या इन्होंने घर जाके क्या टाइमलाइन फॉलो करनी है, उसके साथ साथ पूरा डाइट चार्ट एवरीथिंग वो सारा कुछ साथ में जाता है। उसके बाद इमरजेंसी बता दीजिए क्या ये गैस के। यस बिल्कुल सही है। और ये लूज मोशन बिल्कुल सही बात है। ये कब यूज करनी है? ये जब होगी। घर जाके बिल्कुल सही बात है, बहुत सही, बिल्कुल सही है जी। और ये साथ में इसकी फीड, ये कौन सी फीडर नाम डाला आपको? लैब्राडोर की। नहीं ब्रांड ब्रांड का नाम है रॉयल चैलेंजर नहीं है। रॉयल चैलेंजर मत दे देना। ये साथ में इसका वैक्सीनेशन कार्ड जहाँ पे पप्पी की सारी डिटेल्स आती हैं, ओनर की सारी डिटेल्स आती हैं, जो वैक्सीनेशन लगी होती है उसकी डिटेल आती है, आने वाली कौन सी वैक्सीनेशन है उसकी डिटेल रहती है, और साथ में इसकी जो वर्म कंट्रोल है यानी डी वर्मिंग कब हुई थी और कितने केजी पे हुई थी उसका सारा रिकॉर्ड आता है। और ये सारा कुछ जाना जरूरी भी है और तभी आपका डॉग ऐसे का बनेगा, अगर आप ये सारा कुछ फॉलो करोगे अच्छे तरीके से। डॉजर गुजर बताओ सबको, बताओ हमने कहा हमने भी फॉलो किया था तभी हम ऐसे बने हैं। पहले वो जैसे वो एड नहीं आती उसमें, पहले मैं ऐसा होता था छोटा सा, फिर मैंने ऐसा रॉयल चैलेंजर निकाला मुझे, फिर मैंने ऐसे अगर इसको गैस की मेडिसिन पिलाई है ना तो वो हो जाएगा, सेट हो जाएगा। चलो नो वरी। तो ये भाई साहब जी इनको दिखा दो पास से पूरा, हमारे शरण पाजी के नए पेट हैं। वैसे फादर साहब के लिए ले रहे हैं। हाँ जी, उनका शौक थोड़ा बताओ ना, मतलब आप कैसे प्लान किया, डॉग क्यों लेना था थोड़ा? क्योंकि बिफोर जॉइनिंग द आर्मी है ना, शुरू तो इन्होंने शौक रहा कि कुत्ते वगैरह का, समझ गया, तो उन्होंने मतलब कि रखा हुआ सी, बट वो मतलब पेरेंट्स के ये शेपर्ड रखा था? नहीं शेपर्ड नहीं, कोई लैब्राडोर सी का। अच्छा उस टाइम तो 20-30 साल का। अच्छा इतनी अच्छी जैसे डॉग रखते बिफोर थे उन्होंने डिसाइड किया कि हमें सब तो पहला काम यही करना डॉग लेना। डॉग लेना हाँ जी। उन्होंने फिर रमन का डोजर बाल देखा, फिर यूट्यूब चैनल विजिट किया। अच्छा ठीक है ना, तो बस उन्होंने शौक आ रहा है कि यही रखना। अच्छा उनके शौक के आगे आपका शौक फीका पड़ गया चाओ चाओ? नहीं नहीं मेरा भी यही हो रहा है। अच्छा यदि जो पापा खुश हैं। ऐसे ऐसे पुत्र मिले सबको। वेरी गुड वेरी गुड। चलो मैं एक था एक सिंपल देना, मैं एक बात बताना चाहूंगा सब। इनके साथ एक इंसिडेंट हुआ था हमारा, वो वाला बताता हूँ जो मैंने आपको इसकी लास्ट वीडियो भेजी थी, जब आपने कहा था कि अंकल को वीडियो भेजनी है, मैंने बैल्कनी में आपको वीडियो बना के भेजी थी, तो इसका कलर कैसा लग रहा था आपको? ब्लैक लग रहा था, पूरा डार्क ब्लैक, मतलब वीडियो में दिखाई नहीं पा रहा मैं, इतना डार्क कॉपर कलर है। कलर चेक करो आप, इतना डार्क कलर। अगर आप लोगों को अभी भी ये ब्लैक कलर लग रहा ना वीडियो में, तो मैं आपको कंपेयर करके दिखाता हूँ। पाजी पकड़ना मुझे एक बार, ये देखो कलर का डिफरेंस देखो, ये ब्लैक है
और ये डार्क कॉपर कलर है, मतलब ये आप कह लो शरण भाजी दिस इज वन ऑफ द मोस्ट रेयर कलर्स इन साइबेरियन हस्की। ये कहीं ना कहीं आपकी पसंद भी थी ये वाला कलर, तो पहली है ना, सबसे पहले जो बच्चे वो फ्लड आ गया था अंबाला साइड पे, पूरा फ्लड आ गया था, वो बच्चे वहां पे कहने उनका डूब गया था पूरा। बट भाई साहब ये वाला कलर इनकी चॉइस है, पर जा इनके घर है, पसंद है इकट्ठा ही है ना आज चल। वेरी गुड, वेरी गुड। आप ऐसे करना ना, आप ये रख लियो अपने पास, इनको फिर से पाल ले लो, इनको भाई बढ़ा करके दे दियो, ये भी ठीक है। चलो उन्हें करे जाके छाती तो नहीं लाना, ठीक है ठीक है, चलो वेरी गुड। लो जी कॉन्ग्रेचुलेशन शरण भाजी, बहुत बढ़िया लगा। इसको भी ऐसे करके लेकर आओ मेरे पास, मेरे को ऐसे करके दिखाओ ये देखो तेजस भाजी, आपकी मेहनत यहाँ कर दी हमने, सेम पता नहीं लगना कि पता ही चला कौन सा कौन है। चलो क्या बात, वेरी गुड, ब्यूटीफुल पपी एंड बहुत अच्छे घर जा रहा है। मेरे को ना एक्चुअली सेटिस्फेक्शन पूरी है, एक और नेक्स्ट लेवल की सेटिस्फेक्शन है कि पाजी को एक्सपीरियंस है पूरा इस टाइम पे, ब्रीड का भी एक्सपीरियंस पूरा, और साथ में ही रखे पाजी। जब पाजी ने अपना पपी लेना था, मैंने वीडियो डाली थी, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डालूंगा, तो पाजी भी साथ ही आए थे उस टाइम पे, एंड ये तब हमारे से लेकर गए थे, लाइट चली गई थी अंधेरा में, वीडियो बड़ा बड़ा वो पावर बैंक पे रिंग लाइट लगा के थी, पर वो बहुत बढ़िया बन गई थी इस भाई साहब की तो। बट चलो एनीवे, इनका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा साथ में है, एंड इसके लिए मैं थोड़ा और सेटिस्फाइड हूँ कि इस बच्चे को कोई प्रॉब्लम आने नहीं देंगे, तो आई एम वेरी हैप्पी इसको देख के भी, और ये जो बच्चा जा रहा है उसको देख के भी। एंड आपको भी थैंक यू कहना चाहूंगा, आपने मेरे पे फिर से ट्रस्ट किया, एंड ये भाई साहब को भी थैंक यू कहना चाहूंगा, इतना अच्छा रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपने आपको, एंड इसको भी हम बहुत जल्दी स्टड अनाउंस करेंगे जी। मैंने पठानकोट चक्कर लगाना, इसकी हम स्पेशल वीडियो बनाएंगे जहां पे हम इसको स्टड अनाउंस करेंगे, एंड अच्छे पठानकोट जा रही है, तो जितने भी लोग पठानकोट से देख रहे हैं आप लोग तैयार हो जाओ, क्योंकि पाजी कह रहे थे पहले इनका फीमेल लेने का प्लान था, फिर इनका चेंज हो गया मेल का आ गया, तो मतलब आप लोग दो स्टार्ट हो गए पठानकोट में, तो जिनके पास भी साइबेरियंस की फीमेल्स हैं पठानकोट में आप लोग रेडी हो जाओ। अब ये थे हमारे शरण पाजी, और जिनका डोजर डॉग था, जो बड़ा वाला डॉग देखा आप लोगों ने जिसका नाम डोजर है, वो हमारे रमन पाजी का था, जो मेरे से कम 8-10 महीने पहले वो डॉग लेकर गए थे, और जब वो डॉग लेकर गए थे तो शरण पाजी जो आज पपी लेके गए हैं, उन्होंने उस दिन मेरे को बोल दिया था कि भैया मेरे को तो चाओ चाओ चाहिए, और धीरे धीरे करते करते उनका हृदय परिवर्तन हो गया कि चाओ चाओ नहीं लेना, अब हमें साइबेरियन हस्की ही लेना, और आज वो अपने लिए एक साइबेरियन हस्की लेकर गए, जो आज से उन्होंने अप्रॉक्सीमेटली 12 दिन पहले बुक कर दिया था। जब ये बच्चा 33 डेज का था तब मैंने इनके साथ वीडियो शेयर करी थी इस बच्चे की, और इनको था कि भैया इंस्टेंटली दे दो, अभी ही चाहिए, बट मैंने इनको मना किया था दैट नहीं पाजी, 45 डेज का करके, 2 वैक्सीनेशंस करके प्रॉपरली उसके बाद ही मैं इसको दूंगा, बिकॉज रेडी करके देना चाहता हूं मैं बच्चे को। हाँ, जाना पास में ही था, अप्रॉक्सीमेटली 100 किलोमीटर का डिस्टेंस है यहां से, बट स्टिल आई वांटेड कि मेरे यहां से बच्चा जा रहा है तो अच्छे तरीके से वैक्सीनेट होकर हट्टा कट्टा एकदम यहां से अपनी इम्यूनिटी बढ़ा के जाए। एंड आज वो दिन था 20th of March, जिसका ये लोग बहुत देर से वेट कर रहे थे, और कल ही मेरे को इनका कॉल आ गया दैट तेजस भैया हम कल आ रहे हैं, हमें नहीं पता बच्चा रेडी है नहीं पता, हमने 12 दिन वेट कर लिया आपने कहा था, बट हमारे, बट थैंकफुली बाय द ग्रेस ऑफ गॉड जैसे जैसे हमने टाइमलाइन प्लान करी थी उसी हिसाब से बच्चा रेडी भी हो गया था, और इनके साथ आज घर चला भी गया। आप लोगों को थैंक यू करना चाहता हूँ, वीडियोस देखते रहा करो एंड प्यार देते रहा करो, ताकि मेरे को मोटिवेशन मिलती रहे आप सबके घर ऐसे प्यारे प्यारे पप्स पहुंचाने की। थैंक यू।